राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति झालावाड़ ने नर्सिंग भर्ती 2018 में 106 नवनियुक्त अधिशेष नर्सेज की मूल पोस्टिंग वेतन की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री एवं शासन सचिव चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघर्ष समिति जिला अध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया कि नर्सिंग भर्ती 2018 में नियुक्ति 106 नर्सिंग कर्मचारी SRG चिकित्सालय के अधीन कार्यरत हैं। चिकित्सालय में नर्स ग्रेड सेकंड रिक्त पद नहीं होने के कारण 44 नर्सेज के वेतन आहरण उच्च पद या समकक्ष पदों से किया जा रहा है, जबकि 62 नर्सेज का वेतन भुगतान संभाग के अन्य जिलों से किया जा रहा है। ज्ञापन में निदेशालय द्वारा जारी आदेश अनुसार झालावाड़ SRG चिकित्सालय में कार्यरत सभी अधिशेष नर्सेज से ऑप्शन फॉर्म लेकर मूल पद पर पोस्टिंग दिए जाने, नर्सेज को वेतन समय से देने की मांग की गई। इस मौके पर अभिनव आचार्य, मुरली नागर, सपना भार्गव, सीताराम मीणा, जितेंद्र गिरधारी सहित अन्य मौके पर लोग मौजूद रहे। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हम 106 नर्सिंग कर्मचारी हैं जो SRG में कार्यरत हैं। हम लोगों को यहाँ पे निदेशालय के आदेश अनुसार अधिशेष माना गया है, उसी अनुपालना में हमें कार्यमुक्त करके CMHO कार्यालय में भेज दिया गया था, लेकिन चिकित्सालय की कार्यव्यवस्थाएँ प्रभावित होने के कारण हमें पुनः यथास्थान पर कार्यव्यवस्था लगा दिया गया है। अब हम सरकार से मांग करते हैं कि चिकित्सालय में रिक्त पद तो है नहीं, तो हमारी पेमेंट के लिए सरकार की क्या प्लानिंग है, चिकित्सालय प्रशासन की क्या प्लानिंग है? यदि चिकित्सालय प्रशासन हमें यथास्थान पे रखना चाहता है तो हम मांग करते हैं कि हमारे जो वेतन का जो